मैच है हमारा राजनांदगांव और रायपुर की टीम के बीच, उठो तो किया गया है। मैं संस्कार श्रद्धा दर्शन में इतना अच्छा आयोजन आप लोगों ने यहाँ पे आयोजित किया है और मुझे यहाँ पे आने का अवसर मिला, तो निश्चित ही ये आप लोगों का जो मैंने पहले में सुना था, लेकिन आज मैं पहली बार आप लोगों के सामने मुखातिब हो रहा हूँ। संस्कार श्रद्धांजलि की पूरी टीम की तरफ से, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज यहाँ पर राज्य स्तरीय दिव्यांग व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो हमारे अध्यक्ष हैं संस्कार श्रद्धांजलि के सतीश भट्टर जी, उनके निर्देशक में। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जो चार टीमें यहाँ पर खेलने के लिए आई हैं, राजनांदगांव से, रायपुर से, चापा से, जांजगीर से, और इनके लिए हमारे SP प्रफुल्ल ठाकुर सर की तरफ से एक राशि भी भेंट स्वरूप रखी गई है, जो कि फर्स्ट प्राइज़ है 5100, सेकेंड प्राइज़ 3100, और जो थर्ड प्राइज़ है वो है 2100 का। ये दो दिन का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर यहाँ पर माहौल बना हुआ है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी हमारे बीच में यहाँ पर आए सभी टीम मेंबर्स को, और इनसे कहना चाहूँगी कि हौसला रखिए, तो सारा जहाँ सब कुछ आपका है। और बताना भी चाहूँगी कि अगर ये यहाँ से जीतते हैं तो ये नेशनल लेवल पर भी बिल्कुल जा सकते हैं। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएँ देना चाहूँगी आप सभी की तरफ से, हमारी तरफ से इन टीम मेंबर्स को, कि वो खूब जोश के साथ खेलें और हमारे राज्य का ही नहीं, हमारे पूरे देश का नाम आगे रोशन करें। आप दिव्यांगजन जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, दिव्य दिव्य वरदान के रूप में मिला हुआ है, भगवान से आपको दिव्य अंग मिले, तो ये मान के चलिए आपका सम्मान दिव्यांग शब्द से होगा। राजनांदगांव हमेशा अपनी खेल की प्रतिभा दिखाई है और यहाँ पे लगातार प्रतिभाओं को सम्मान के लिए, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल होते रहता है। आप सब लोग राजनांदगांव शहर से अगर खेल के आगे बढ़ते हैं, ये बहुत बड़े गौरव की बात है। संस्कार श्रद्धांजलि के तत्वाधान में यहाँ पर राज्य स्तरीय दिव्यांग क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है, जिसमें आज मैं उपस्थित हुआ। निश्चित ही यहाँ पे अपने राज्य की सेलेक्टेड टीम यहाँ पे आई हुई है, जो कि सभी दिव्यांगजन हैं, तो निश्चित ही मैं इनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। और मतलब इन्होंने इसमें भी अपना प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, और मैं आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये आज जो छत्तीसगढ़ में अपना नाम रोशन करें, निश्चित ही आगे चल के इस देश का भी नाम रोशन करें, ताकि हमारा छत्तीसगढ़, हमारे संस्कार धानी का भी नाम इसके साथ जुड़ा रहे। तो मैं इस बार पुनः इस आयोजन कमेटी के जो संयोजक हैं सतीश भट्टर जी, उनका भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन इस शहर में करा रहे हैं। इससे निश्चित ही हमारे जो नौजवान साथी, युवा साथी हैं, जो अभाव को लेकर कुछ कहते हैं, उनके लिए मिलकर पत्थर साबित होगा कि आप अभाव में नहीं, आप स्वभाव में परिवर्तन करिए, आप किसी भी बुलंदियों को आप छू सकते हैं। तो निश्चित ही आज का आयोजन एक मील का पत्थर है और एक दिशा सूचक है, जिसको हम देख के आगे बढ़ें और कुछ मन में कुछ करने की जज्बा रखें। तो निश्चित ही आयोजन के लिए मैं पुनः एक बार पूरी टीम को बधाई देता हूं। संधाजी जला, आज राज्य स्तरीय क्रिकेट का आयोजन किया गया है, ये बड़ी गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ से यहाँ की टीम इंटरनेशनल लेवल खेलने जा रही है। और हमने तो ये देखा है कि खेलने के लिए साहस की ज़रूरत है, लक्ष्य पाने के लिए साहस की ज़रूरत है, शरीर विकलांग ही मायने नहीं रखता। तो ये लोगों को संदेश देता है कि भाई आप में अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो, आप में कुछ करने की कारगुजर करने की अगर चाहत हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं पूरी टीम को शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करना चाहती हूँ, साथ ही संस्कार श्रद्धांजलि को भी धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ कि आप ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें दिव्यांगजन को प्रोत्साहन मिल रहा है और छत्तीसगढ़ से यहाँ की टीम इंटरनेशनल खेलने जा रही है। मैं तो कहती हूँ राज्य स्तरीय यहाँ से अगर जीत के निकल रहे हैं तो आगे और नेशनल खेले, उसके बाद और आगे जाए, यही मेरी शुभ। अभी अभी बड़ा विकेट गिरा, युधिष्ठिर भी रन लेना यानी सुसाइड कर रहे, यानी खतरा, लेकिन खतरा मोड़ नहीं लेना चाहते हैं दोनों ही बल्लेबाज। लेकिन सामना करेंगे फिर से चटुआ और पक्का हो गए लोग अपने टीम के लिए 4 रन बताया, क्योंकि सिंगल
सिंगल आसानी से मिल सकता था, लेकिन खतरा नहीं लिया, रन नहीं लिया। दो ओवर के समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर रायपुर का स्कोर जा पहुंचा है। और फिर से मिलना तक लगे वाइट के रूप में, खराब लाइन, खराब गेंद, गेंद सामना करेंगे। और यहां पर लगातार दो गेंद अब तक रन नहीं मिला है, और घुमा कर खेल दिया।